करत अनुराग पढ़ गयो भारी करत करत अनुराग पढ़ गयो भारी पढ़ी ये विचित्र रीति यही शोभा सार की पढ़ी ये विचित्र रीति यही शोभा सार की करत करत अनुराग प्रेम हो गया अनुराग बढ़ गयो भारी भारी का मतलब बहुत अनुराग हो गया इतना अनुराग हो गया अब तक तो मंदिर में ठाकुर जी होते इनका अधिकतर समय मंदिर में बीतता लेकिन अब तो रात को भी सोते समय अपने बिस्तर पर ही ठाकुर जी को पधरा दिया रात को उनके बिना सोना भी नहीं उनको हृदय से लगा करके सो जाती थी इतना प्रेम हो गया। भक्तमाल टीकाकार उनकी व्याख्या में लिखते हैं टीका की व्याख्या में कि दोनों की स्थिति यहां तक बढ़ गई क्योंकि भगवान तो जहां अनुराग देखते हैं वहां प्रकट कृपा करते हैं अब इनको बीच बीच में शिलाओं की जगह साक्षात श्री कृष्ण दिखाई देने लग गए थे बीच बीच में शिला के भीतर ही श्री कृष्ण के स्वरूप की झांकी होने लगी अब वो शिला इनको इतनी प्यारी लगने लगी उनको चूमती हृदय से लगाती लेकर के हृदय में लगा करके सो जाती उनके बिना बिल्कुल भी चैन नहीं खेलने बाहर भी नहीं सक्षों के संग जाती नहीं ठाकुर जी अकेले रह जाएंगे ठाकुर जी उनके बिना नहीं रहते और वो ठाकुर जी के बिना नहीं ये स्थिति होगी और बाहर की सच्चाई क्या है बाहर की सच्चाई तो ये है कि ना वो ठाकुर जी हैं शालिग्राम है वो तो एक पत्थर का टुकड़ा है और ना वो भगवान का नाम जप करती हैं वो तो सिल पिल्ले तो भगवान का नाम है यदि बाहर क्रिया को देखें तो ये भक्ति नहीं है लेकिन भगवान क्रिया नहीं देखते भगवान देखते हैं क्रिया के पीछे भावना क्या है तो भावना में तो उनकी यही है कि गुरु जी ने नाम दिया है सिलपिल्ले नाम भगवान का मैं ठाकुर जी का नाम सिलपिल्ले अब दोनों सहेलियां सिलपिल्ले 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 हर समय जप करती ठाकुर जी की सेवा पूजा करती इतना अनुराग हो गया उनके बिन इनको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलती दोनों की स्थिति ये हो गई ना तो राजकुमारी चंद्रलेखा ठाकुर जी को अपने से दूर करती और ना ये जिमीदार की बेटी ठाकुर जी को अपने से दूर करती मैं बता चुका हूं कि जो जमींदार की बेटी इसके माता पिता जा चुके थे जिस भाई के पास ये रहती थी वो भाई उसने अपने माता पिता की खूब सेवा की जब दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ तो माता पिता को उसने अपने पास ही रखा था ये सज्जन था तो माता पिता का सहज स्वभाव है और एक नियम भी है कि दो बच्चों में जो माता पिता की सेवा करता है माता पिता अपना हिस्सा उसी बच्चे को दे देते हैं कि तुमने हमारी सेवा की हमारा हिस्सा तुम्हारे पास हमारे दो बच्चे हैं तो बंटवारे के समय दोनों को बराबर देते हैं और थोड़ा अपने गुजारे लायक बीमारी में बुढ़ापे में चाहिए होता धन तो क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएं तो अपने पास माता पिता रखते हैं और जो बच्चा माता पिता की सेवा करता है उसको माता पिता दे देते हैं तो बंटवारे में भी माता पिता ने थोड़ा ज्यादा इसको इसके लिए कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि बेटी कमारी बैठी है तो सारा खर्चा बेटा ही उठाएगा और माता पिता जाते समय कह भी गए थे पहले माता जी का देहांत हुआ बाद में पिताजी का और पिताजी ने जाते समय कह दिया कि बेटा मेरे जितने भी खेती बाड़ी जो भी मेरे पास है मेरे हिस्से की वो मैं सब तुमको दे रहा हूँ क्यों अब तक तुम इस बेटी के भाई थे अब तुम इसके बाप की तरह हो गए छोटी बहन तुम्हारी तुम्हारी बेटी जैसी है तुम ही इसका कन्यादान करोगे मैं तो बचूंगा नहीं जा रहा हूँ और मेरे हिस्से की जो खेती बाड़ी है वो तुम ही उसको रखना और उससे अपना बहन के हाथ पीले कर देना कह करके पिताजी सिर छोड़ गए लेकिन बेटी को तो इतनी लगन लग चुकी है वो तो कहते मैं शादी ही नहीं कराऊंगी मेरी तो शादी हो गई सिल पिल्ले के साथ इनको मैं छोड़ नहीं सकती अब अपने भाई के पास रहती
शादी उसने कराई नहीं, भक्ति भजन में लगी रही। और इधर दूसरा भाई जो पास के गांव में रहता, उसके मन में विचार आया कि पिताजी ने उसको ज्यादा संपत्ति क्यों दी, उसमें मेरा भी अधिकार है, अपने भाई से आके लगा मांगने, मुझको भी हिस्सा दो। उसने कहा पिताजी मुझको दे गए, मैंने माँ बाप की सेवा की, सब मुझको दे गए, नहीं हमारा भी अधिकार है। जब उनको नहीं मिला तो दो चार दिन के बाद गुंडे बदमाशों को बुला करके घर में धावा बोल दिया अपने भाई के यहाँ। जितना भी सामान हाथ में लगा, घर का सारा सामान वो चोर बदमाश लूट ले गए। सामान तो गए गया घर का, इसके सिल पिल्ले ठाकुर जी भी लूट गए। अब इसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया, मेरे सिल पिल्ले ठाकुर जी भी ले गए, मेरा बड़ा भाई ले गया, वो बदमाश आए ले गए, ठाकुर जी की सेवा पूजा के पात्र बर्तन सब ले गए, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे ठाकुर जी चले गए। अब इसने खाना पीना छोड़ दिया, कई दिन तक बिना खाए पी, भाई बड़ा परेशान। अंत में भाई ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, मैं वहां जा नहीं सकता, नहीं तो भाई बदमाश हो मुझको मार देगा, तुम भगवान से कुछ प्रार्थना करो, वो कृपा करें तो आ सकते हैं, इसके लिए भगवान ही कोई उपाय करेंगे, तुम कुछ खा पी लो। लेकिन खाना पीना तो बड़ा दूर की बात, उसके लिए तो जीना ही मुश्किल हो गया, मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती। अब देखिए कहने के लिए तो पत्थर का टुकड़ा है, चलो हम मूर्ति ही मान ले, मान लो कहने के लिए मूर्ति भी तो एक धातु है, पत्थर ही होता है, लेकिन भगवान तो भावना देखते हैं, वो पत्थर के लिए नहीं रो रही है, नहीं तो पत्थर नदी में कोई कम नहीं तो और उठा के ले आते, यदि मूर्ति है तो मूर्ति और बाजार से मिल जाती, लेकिन यह बात है जिससे लगाव हो चुका है, उसमें इनको ठाकुर जी की झांकी होती थी। भगवान से प्रार्थना कर रही है, भाई ने कहा बहन के पास आके कि रोने से काम नहीं चलेगा, ऐसा है लड़ाई हमारी परस्पर दोनों भाइयों की है, तुमसे तो ना मेरी लड़ाई ना उसकी लड़ाई, तुम चली जाओ भाई के पास, तुमको तो कुछ नहीं कहेगा, लड़ाई तो उसकी मुझसे है ना, तुम रो रही हो परेशान हो, खाना पीना तुमने छोड़ दिया, तुम जाओ कल सुबह सुबह निकल जाओ, संध्या तक पहुंच जाओगी, सात को उसकी दूरी पर गांव है 21 किलोमीटर, सुबह सुबह जाओ और पहुंच जाओगी, अपने ठाकुर जी को ले आओ। उसको लगा कि बात तो ठीक है, भाइयों की परस्पर है, मेरे लिए तो दोनों भाई बराबर है। तो अगले दिन बिना खाए पिए भूखे प्यासी वहां से निकल पड़ी, दोपहर बाद अपने भाई के घर पहुंची। भाई उस समय घर के बगल में बाहर की तरफ द्वार के बगल में अथाई मन बैठक थी, बैठा था वो, दो चार गुंडे बदमाश भी पास में दिन रात रहते थे, क्यों, क्योंकि भाई पे आक्रमण किया, वो भी बदला लेने के लिए आ सकता है, कहीं मैं लूट ना जाऊं, इसलिए उन बदमाशों को अपने पास ही रखा कि 5-10 दिन मेरे पास रहो। और जो ही अपनी बहन को देखा तो देखते ही सशंकित हो गया, सोचा कि हमारा भेद लेने आई है बहन, जिसके पास रहती है उसके लिए ये मेरी नहीं बन सकती, ये भेद लेने आई है कि कौन कौन घर में है, माल कहां रखा हुआ है। बहन को दूर से देख के बोला कैसी आई हो, रोने लगी, पास आके भाई के पांव में गिर गए कि तुम्हारे आदमी जो सम्मान लाए उसमें मेरे ठाकुर जी एवं पूजा का सामान भी साथ ले आए, मैं अपने ठाकुर जी को लेने आई हूं। उस
उसने सहज ही कह दिया कि ठीक है तुम्हारे ठाकुर जी आ गए, तुम ले लो भीतर जाके। लेकिन जो ही कहा तुरंत उन बदमाशों में से एक बोला, रे क्या कर रहे हो, घर के भीतर क्यों जाने दे रहे हो, ये भेद लेने आई है, छोटे भाई की हिमायत में आई है, ठाकुर जी का तो बहाना है, वो काहे का ठाकुर जी तो पत्थर का टुकड़ा है, वो कोई ठाकुर जी है। रोने लगी बेचारी कि मैं ठाकुर जी को पत्थर कह रहे हैं। तो कहा उसको पत्थर मत कहो, मेरे ठाकुर जी हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण है, वो उनको तुम पत्थर मत कहो। उनमें से एक बोला, अगर वो साक्षात कृष्ण है ना तब भी तुमको भीतर जाने देंगे, अगर वो साक्षात कृष्ण है तो बुलाना अपने ठाकुर जी को। यही तू सात कोस चल करके इतनी दूर आई, वो तेरे लिए चार कदम नहीं चल सकते, सात कदम नहीं चल सकते। अगर तेरे ठाकुर सच्चे हैं, तेरी भक्ति सच्ची है, तो यहीं से पुकार, जिनके लिए तू सात कोस पैदल चल के आई है वो तेरे लिए सात कदम नहीं चल सकते। यदि तेरी भक्ति सच्ची है, यदि तेरे ठाकुर जी सच्चे हैं, तो उनको पुकार, वो आएंगे। अगर नहीं आए तो तू झूठी, तेरे ठाकुर झूठे, तू ढोंग कर रही है, ठाकुर जी के बहाने से घर का भेद लेने आई है, और जाकर के अपने भाई को भेद बताओगी। अब उसकी भक्ति को चुनौती दी, अब उनके लिए तो पत्थर है, जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखें, जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखें। उसकी भक्ति को चुनौती दी थी, यदि तेरी भक्ति है, यदि तेरे ठाकुर सच्चे हैं, तेरी भक्ति सच्ची, पुकार, वो तेरे लिए आएंगे। इसने चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो पत्थर था, इनकी दृष्टि में साक्षात। तो उसने कहा कि द्रौपदी ने हस्तिनापुर में भगवान को पुकारा था, द्वारका छोड़कर श्री कृष्ण आए तो मेरे लिए भी आएंगे। कुंवर हठीली विनय सुन के करुणा करके हरि आप पधारे। रो रही थी भगवान के लिए, प्रार्थना कर रही थी, उसी समय देख करके सब हैरान हो गए कि इसकी झोली में ठाकुर जी आ गए, अपने पूजा के समान सहित झोली में आ गए, और उसकी आंखों के आंसुओं से ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है। अपने आंसुओं से ठाकुर जी को नहला दिया, उठ करके चमत्कार देख करके भाई तो चरणों में गिर गया, बहन मुझको क्षमा कर दे, तू सच्ची भक्त है। और उसके दुष्ट जन जो इकट्ठे कर रखे थे वो सब के सब इस चमत्कार को देख करके चरणों में गिर गए कि भीतर से ठाकुर जी देख नहीं कोई पाए, ना ये भीतर गई ना कोई बाहर लाया, इसकी झोली में ठाकुर जी प्रकट हो गए और पूजा के समान सहित सब चरणों में गिर गए। देवी हमको क्षमा कर दो, हमसे अपराध हुआ, हमने तुमको चुनौती दी थी तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारे ठाकुर जी को हमने पत्थर कहा, हमको क्षमा कर दो। बहन बोली सब भाइयों को और अपने भाई को, मैं कोई आपको दंड नहीं दे रही हूं, जो क्षमा करूंगी, आपने मेरे ठाकुर जी का अपराध किया है, यदि तुम अपनी कुशलता चाहते हो दोनों भाई आपस में प्यार से रहो, समझौता कर लो, प्यार से रहो, ध्यान रखना ये धन नहीं जाएगा साथ, ये वस्तुएं साथ नहीं जाएंगी। जिस गृहस्थ के सुख के पीछे और धन के पीछे तुम मारे मारे भटक रहे हो, उस धन को उस सुख को मैंने ठोकर मार दिया, सोचो तुम्हारी नौजवान बहन जिसमें शादी का गृहस्थ का कोई लोभ नहीं है, सोचो कितना सुख है भगवान की भक्ति में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। जिस धन के लोभ में आकर के तुम पुण्य पाप नहीं देखते, खून पसीना बहाते हो दिन रात नहीं देखते, हिंसा करने पर तुम उतारू हो गए, और अपनी बहन को भी तुम चुनौती देने पर उतरा हो, जिस धन के लोभ में मद में आकर के, क्या है ये धन, तुम देखो अपनी बहन से शिक्षा लो, सारी खुशियों को मैंने भरी जवानी में ठोकर मार दी है,
और तुम इनके पीछे पाप नहीं पुण्य नहीं देकर दिन रात नहीं खून पसीना बहा रहे हो, हिंसा वृत्ति का आश्रय ले रहे हो। अपनी बहन से भी कुछ नहीं सीखा, भक्ति करो। हाँ बहन, अब हम भक्ति करेंगे। सारा सामान गाड़ी में लाद कर बहन को बैठाकर बैलगाड़ी से गांव में छोड़ाए, अपने भाई से भी क्षमा मांगी। जो पिताजी तुमको दे गए तुम्हारा, जो मुझको दे गए वो हमारा। अभी बहन हम दोनों भाइयों के गुरु है, इनकी छत्र छाया में रहकर ही हम अपने धर्म का पालन करेंगे। नरक जैसे घर को बहन ने स्वर्ग बना दिया, दोनों भाइयों में मित्रता हो गई। और यहाँ तक नहीं, क्योंकि अपने गांव को लाया था गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके, दो गांव में विरोध ठन गया था, दोनों गांव में परस्पर प्रेम हो गया। अब आओ, इसकी सहेली जो है चंद्रलेखा उसके साथ क्या बीती।